नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुनाया। केंद्र ने पूर्वोत्तरी जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित इलाकों में विभाजित कर दिया था 2019 में। अदालत ने इन घटनाक्रमों को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता थे जो कश्मीरी भी हैं, सीपीआईएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर और पूर्व एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारीगामी। आइए उनसे हम आज के इस फैसले पे चर्चा करते हैं। बता दें कि कोर्ट ने फैसला किया है कि अनुच्छेद 370 टेम्पररी मतलब अस्थाई प्रावधान था, और यह भी कहा गया है कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के दिन आज ही वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपका कम से कम टाइम लूंगी जैसे आपने रिक्वेस्ट किया। तारिगामी जी, पहले शुरू करते हैं कि आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आपको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ ये वर्डिक्ट देख के आज का? क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा मायूसी हुई। हमने इस उम्मीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जो हमसे छीना गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यकतरफा तौर पर फैसला करके विदाउट रेफरिंग टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं हमारे हुकूक 370 के और जुड़े हुए, और इसके अलावा हमारी एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और डिवाइड किया गया विदाउट रेफरिंग टू द पीपल ऑफ द स्टेट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप अपने कम्युनिटी के लोगों को, यानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, वहां के रिपोर्टर से पूछ लेंगे, वायर वायर यू ऑन दोज डेज, डिड एनी रिपोर्टर रिपोर्ट एनीथिंग अबाउट व्हाट एवर वॉज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? कोई गाय घर से बाहर निकला, किसी ने रिपोर्ट किया? दिस वॉज टोटल लॉकडाउन, देर वॉज टोटल वर्चुअली नो कम्युनिकेशन वट सो एवर, नो इंटरनेट, नॉट इवन लैंड लाइन्स वायर वर्किंग वायर इन ऑर्डर। मैनी ऑफ अस पोलिटिकल एक्टिविस्ट वायर आइदर डिटेन्ड इन जेल्स आर पुट अंडर हाउस अरेस्ट। दिस इज द सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिबेटेड ओवर द प्रेजिडेंशियल ऑर्डर, एंड प्रेजिडेंशियल ऑर्डर abrogating in our view the very bond of relationship which was laid down in those trying times when raiders came, when they tried to appeal to the people on the religious, on the religion basis, being Muslims, when there was no Indian army in Kashmir, Jammu at that point of time, when Maharaja Hari Singh खुद reluctant था accession के instrument पर दस्तखत नहीं किए, उन्होंने पूरे मुल्क में अगस्त के महीने में accession का process हुआ कई जगहों पर पूरे मुल्क में, लेकिन जम्मू कश्मीर में महाराजा द एक्चुअल रूलर अक्टूबर के लास्ट वीक तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने से इनकारी थे। He refused to sign the instrument of accession till the last week of October 1947. He was virtually thinking of vacillating even whether to join Pakistan or remain independent. But there was no option for him, as the record suggests, says he was reluctant to join Indian Union. It was only जब रेडर्स आए, और रेडर्स यहाँ कश्मीर में, इसी श्रीनगर में, लाल चौक में यहाँ के जवान निकले, उन्होंने कहा हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। हमलावर कौन था?
हमलावर पाकिस्तान के भेजे हुए रेडर्स थे। हमलावर कौन था? वो जो उन्होंने मजहब का सहारा लेकर कहा मुसलमान हैं, मुसलमान देश के साथ जुड़ने चाहिए। और क्या नारा लगा? नारा लगा क्या, मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना। ये श्रीनगर में नारा गूंजा उन दिनों जब पार्टीशन था, जब लाहौर जल रहा था, ब्लीडिंग वाज बोथ साइड्स गोइंग ऑन, अमृतसर में, लाहौर में, जालंधर में, इवन जम्मू वाज ब्लीडिंग। आज हमें ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां सिक्योरिटी सिचुएशन, तब तो इंडियन आर्मी नहीं थी संभालने वाली, वो तो बाद में आ गए। जी मैं यही पूछना है वाली तो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ? है कि, यही मैं पूछने वाली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है कि सिक्योरिटी कंडीशन जो जम्मू कश्मीर में है उसको मद्देनजर रख के उन्होंने आज का वर्डिक्ट दिया। फैसला ले लिया। मैं यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमने यही दरखास्त की थी कि वो तारीख का थोड़ा सा मुताला कर ले, जम्मू कश्मीर की तारीख का। वो तारीख क्या है? 47 में फौज नहीं थी, महाराजा भी यहां से भाग गया था जम्मू। किसने रोका रेडर्स को फौज आने से पहले? कश्मीरियों ने को रोका। क्यों रोका? वो तो मुसलमान थे। और उसके बाद जब फौज भी आ गई, एक सवाल है हमारा, जो यहाँ की लीडरशिप थी, द देन पॉपुलर लीडरशिप, जिनके बारे में गांधी जी ने क्या कहा, वो तो पढ़ना चाहिए ना। जिनके बारे में एंटायर कैबिनेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सरदार पटेल साहब थे, नेहरू, पंडित नेहरू साहब के अलावा और लोगों के अलावा, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जो बाद में फाउंडर बन गए जनसंघ के, उन्होंने क्या कहा उस लीडरशिप के बारे में? और ये जो 370 की बात है, जब 306A पहले जो इसका क्लास का नाम था जी उसको इंट्रोड्यूस किया, वो पटेल साहब थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट हियर, ही वॉज अब्रॉड। That's right. आज जबकि अभी इन्होंने कहा, जब मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कहा क्या, आज ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रूह को तस्कीन हुई होगी, मेरा एक सवाल है, वो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के कैबिनेट में मेंबर थे, एक भी डिसेंटिंग नोट वो दिखाए जी, जहां किसी भी मेंबर कैबिनेट के मेंबर ने, इंक्लूडिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने कोई एतराज किया हो कि जम्मू कश्मीर को मखसूस सूरत हाल में खसूसी पोजीशन, स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। मैं तो हिस्ट्री की बात करता, लेकिन आज अगर यही कहा जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रूह को तस्कीन हुई, ये हमें बताइए सरदार पटेल जिसने इंट्रोड्यूस किया ये क्लास, उसके रूह का क्या हुआ होगा? जी राजेंद्र प्रसाद जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीनियर फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आसमान से नहीं नाजिल हुए थे, बल्कि दे इमर्जेड आउट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो उन्होंने, ये नहीं जैसे आजकल के लीडर उभर रहे हैं ना, किसी की सिफारिश से बन रहे हैं, बल्कि दे इमर्ज्ड, दैट लीडरशिप इमर्ज्ड आउट ऑफ ए लॉन्ग रन स्ट्रगल। जेलें काटी उन्होंने, लाठियां खाई उन्होंने आजादी की खातिर, एंड हियर इन जम्मू एंड कश्मीर शेख अब्दुल्ला वाज देयर, देयर वाज गिरदारी लाल डोगरा फ्रॉम जम्मू, मोतीराम भैगड़ा फ्रॉम जम्मू, कृष्ण देव सेठी, राम प्यारा सराफ, यहाँ के साजिक साहब, कासिम साहब, डीपी धर साहब, ये सारे लीडर थे
जो इमर्ज हुए थे आउट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने ये एक रिश्ता जोड़ा, आज उनकी रूह को क्या हुआ होगा? उन्होंने पुल बांधा था ना एडवर्स सिचुएशन में, और उस वक्त जबकि जो हमारे देश के हैदराबाद का इलाका है, जुनैदगढ़ का इलाका है, जहां उस वक्त रूलर्स एक जगह मुसलमान थे, दूसरी जगह हिंदू थे, मुसलमान जो भी मुसलमान थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि आबादी का सवाल है कहां जाए, लेकिन यहां तो आबादी कुछ और थी, राजा कुछ और था। राजा नहीं मानता था हिंदुस्तान के साथ जाना अक्टूबर तक, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने मजबूर किया, मुसलमान थे वो, उन्होंने कहा कि हमें सेकुलर हिंदुस्तान के साथ रहना है। अब ये कंटेक्स्ट है। आज इस डिसीजन में जो डिलीवर हुआ उसमें कहा गया है देयर वाज नो इंटरनल सोवरेनिटी, देयर वाज इंटरनल यूनिकनेस, देयर वाज इंटरनल जो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देयर वाज अ डिफरेंट सिचुएशन, और उस सिचुएशन में डिफाई किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिट ऑफ द टू नेशन थ्योरी जी, रिट ऑफ दोज हु एडवोकेटेड द बेसिस ऑफ नेशनहुड एज अ रिलीजन, दे रिजेक्टेड दैट एंड ऑप्टेड फॉर दोज हु वांटेड रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलर वैल्यू। आज मुझे बताइए, पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने लॉकडाउन करके, यहाँ प्रेसिडेंट ने नहीं गवर्नमेंट ने कर्फ्यू नाफिज करके, कहीं आपने देखा है किसी का निकाह हो जाए, रिश्ता जोड़े, और वो भी बंदूक की नाली पर? क्या वो निकाह हो सकता है? क्या वो रिश्ता हो सकता है? बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है? आप एक तरह से आज तक कल के कश्मीर के बारे में बता रहे हैं, एक तरह से आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन वहां पे सिक्योरिटी के नाम पे लिया हुआ फैसला क्या और सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करेगा? मैं, मुझे बताइए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे जो भी व्यूअर हैं, जो भी हमारे शहरी हैं मुल्क के अंदर, कई लोगों को मिसलीड किया जा रहा है जानबूझकर। मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, ये जो अभी टूरिज्म की बात करते हैं, बुजुर्गों से पूछे वो जो ये चर्चा करते हैं, लेट 80s तक कहां यहां हालात खराब थे कश्मीर में? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे पूछ लेना, बुजुर्गों से, अपने ही बुजुर्गों से, मुख्तलिफ रियासतों के, जो आज भी मेरे ख्याल में याद उनको होगा कश्मीर के बारे में। आज सयाह आते हैं तो फौज के सिक्योरिटी में आते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन तब तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी फौज की। मैं लेट 80s की बात करता हूं, जब रात को भी दिन को भी चहल पहल होती थी, पहाड़ों पर लोग जाते थे, तो ये इन हालात में भी ये खराब क्यों हुए हालात, मेरा एक सवाल है। वो जो हालात जिसको जन्नत कहा जाता था जी, जहां जम्मू में टकराव हुआ, राइट्स हुए, लाहौर में हुए, अमृतसर में हुए, आज कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं जिनको घर छोड़ना पड़ा 90 में, मुझे उनसे पूछ लीजिए कि 47 में एक भी पंडित को आंच आ गई, वो एक भी मिसाल दे दे। 47 की बात छोड़ लीजिए, 48 में, 49 में, 50 में, 51 में, 52, 60s में, उनसे पूछ लीजिए ना, हमारा चेहरा इतना खराब क्यों नजर आ रहा है इनको? खराब करने वाले कौन? और इसीलिए हमारा मानना है कि सिक्योरिटी हालत खराब हो गई, क्योंकि जो और लोग नहीं चाहते थे ये रिश्ता, उनको मौका पहले मिला नहीं, नाराज नहीं थे लोग, दूरियां नहीं बड़ी थी लोगों की, लेकिन इन नीतियों की वजह से जो इससे पहले भी जारी थी, डेमोक्रेटिक राइट्स डिनाई किए गए,
370 में 42 अमेंडमेंट्स हुए विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल. खोखला बना दिया गया 370 को. अब छलका रहा था वो भी खत्म किया, ढांचा भी खत्म हुआ. यही कह के खत्म किया कि वो हो गया था. Violence is not because of terrorism, is not because of 370, it is because of its erosion. इसको खोखला किया गया और वैक्यूम बढ़ गया, वैक्यूम बना, रिश्ते का बांड कमजोर हुआ, रिश्ता टूटने लगा और लोगों को जो ये नहीं चाहते थे ये रिश्ता, उनको घुसपैठ करने का मौका मिला, हालात को बिगाड़ने का मौका मिला. ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में किया, हमें पूछे बिना, जम्मू को पूछे बिना, कश्मीर को पूछे बिना कर्फ्यू नाफिज करके, आप समझते हैं कि दिलों के रिश्ते होंगे, बनेंगे? मुझे नहीं लगता. अब तो हमारे उम्मीद थी टेंपल ऑफ जस्टिस जो हमारे मुल्क का, लेकिन आज जो वर्डिक्ट मिला, फैसला तो सुनाया लेकिन मेरी दर्द को बांपे नहीं, मेरी दर्द की मरहम मिली नहीं. दर्द बढ़ ही जाएगी, दर्द में कमी नहीं आएगी. जो मुल्क के लिए ठीक नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं, कश्मीर के लिए ठीक नहीं, इसलिए ये डर है. दूसरा पहलू ये है कि आज के इस वर्डिक्ट में कहा गया है कि सर जो भी सरकार ने किया, प्रेसिडेंट कैन डू इट, अनडू इट. इसका मतलब है कल अगर यूपी जैसे बड़े रियासत को तोड़ा जाएगा उन्हें पूछे बिना, डाउनग्रेड किया जाएगा उन्हें पूछे बिना, कैसा महसूस कर लेंगे यूपी के लोग, कैसा महसूस कर लेंगे कल अगर ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, कैसा कर लेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग अगर कहीं कोई रिश्ता बांधना हो, पूछे बिना हो, जबरदस्ती हो, क्या महसूस कर लेंगे लोग? ये सवालात है. ये सवालात उस शहरी की तरफ से है जिसने टेररिज्म का जो निशाना बना. वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो क्या जाने ये क्या है, टेररिज्म की दर्द क्या है, वो हमसे पूछे ना. हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे साथ में रहने वाले लोग कितने मर गए, क्यों मर गए? इसलिए मर गए क्योंकि हमने उनके रास्ते पर चलने से इनकार किया. हमने कहा नहीं, हमें एक साथ मिलकर रहना है. मजहब अकीदा अपनी जगह, लेकिन हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम शहरी हैं. जीने की तमन्ना हर एक को है, बेहतर मुस्तकबिल हो हिंदू बच्चे को, मुसलमान बच्चे को, सिख बच्चे को, दलित बच्चे को, ये सबों को चाहिए. महंगाई हो, परेशान करता है महंगाई सबों को. बेरोजगारी हो, सब सबों के लिए कोई अच्छी बीमारी नहीं है, बीमारी बीमारी होती है, उसका इलाज चाहिए. वो हिंदू के लिए तकलीफ दे है, वो मुसलमान को भी तकलीफ देती है. इसलिए आपस में लड़ना नहीं, एक साथ लेकर हमने अपने भविष्य को संभालना है. इसी चीज को लेकर हमारे बुजुर्गों ने रिश्ता जोड़ा पाकिस्तान को छोड़कर अपने मुल्क, सेकुलर मुल्क हिंदुस्तान के साथ. लेकिन आपको लगता है कि 2019 के बाद, अगस्त 5 के बाद, जैसे हमने जम्मू में देखा था कि बहुत लोग खुश थे, क्या आज या कल ऐसा माहौल फिर जम्मू में होगा या लद्दाख में होगा? आप वहां जाइए ना, जम्मू में आज जाइए, वो कितने खुश हैं क्योंकि उनको कहा गया था, सपने दिखाए गए थे उनको. उनको भी महंगाई सता रही है ना, वो भी हम जैसे लोग ही है ना. वो मुझे बताइए कि उनको भी भूख सताती है ना. किसी ने बच्चे को पढ़ाया है, बच्ची को पढ़ाया है, वो चाहते हैं रोजगार मिले. ये जो डंडोरा पीट रहे हैं चैनल्स पर, वो डंडोरा अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर क्या है वो जम्मू जाकर पूछ लीजिए.
कितना मिला उनको, क्या मिला उनको, कितनी इन्वेस्टमेंट मिली, बिजनेस लोगों को पूछ लीजिए क्या आपकी बिजनेस में चहल पहल आपके बाजार में कितनी है, कितनी कितने ग्राहक है, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर रही नहीं महंगाई की वजह से। बाजार जाने से डर लगता है, वो जम्मू वालों को भी डर लगता है और दिल्ली वालों को भी डर लगता है, कश्मीर वालों को भी डर लगता है जी। भूख भूख होती है, भूख का कोई धर्म नहीं, या है ये हिंदू भूख है बड़ी मीठी है, ये मुसलमान भूख है बड़ी कम सताती है, ये ऐसा नहीं है। महंगाई ने हमारे जो भी हमारे लोग हैं उनका जीना मुश्किल बना दिया है, तो महंगाई महंगाई है, ये अलग नहीं है, हिंदू भूख है मुसलमान भूख है, ये अलग ये मंत्र चलेगा नहीं ज्यादा देर। मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, वहां लोग समझते हैं, अपने तजुर्बे को देखते हुए समझेंगे कभी कि कश्मीर की दर्द क्या है। कश्मीरियों को साथ चलाना है प्यार से इज्जत से, कश्मीरियों को यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए इलेक्शन होगा और स्टेटहुड भी होगा, तो ये एक मलहम की तरह नहीं है। नहीं ये मरहम नहीं है, 4 साल से हमें इलेक्शन नहीं मिला, किसने कहा आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन थे हमारे, स्टेटहुड 4.5 साल से नहीं है। आज तो हम ये तवक्कु रखते थे कि सरकार से पूछते आपने इस तारीखी स्टेट को तोड़ा क्यों, डाउनग्रेड किया क्यों, 4 लफ्ज होते वहां। आज कम से कम हमें ऑर्डिनरी स्टेट नहीं बल्कि मखसूस हालात में एक तारीखी हैसियत जो मिली है हमें, आज नॉर्थ ईस्ट को भी कुछ कुछ गारंटीज मिली हैं, आज हिमाचल को भी जमीन पर अधिकार मिला है, जम्मू कश्मीर के बारे में वो आज लफ्ज भी नहीं, कहां है इस वर्डिक्ट में। और आप आज इतने साल 10 साल अगर आप हमें वोट डालने का मौका नहीं देंगे और 10 साल के बाद आप कहेंगे कि बादशाह सलामत उनको रहम आया, अब उन्होंने कहा कि तुम वोट डालो, क्या करते हैं? वो 10 साल का हिसाब कौन देगा हमें, हम पर क्या बीती, हालात ठीक थे ना, DDC के चुनाव हुए, हालात ठीक थे ना, 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए, हालात ठीक थे ना, टूरिज्म भी आ गया, हालात ठीक नहीं है असेंबली के चुनाव के, क्या आप कहेंगे? पहले आप पिटाई कर ले हमें और बाद में आप मिठाई का एक थोड़ा सा दें और हम नाचने लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमें वही मुकाम, हम सरकार से कुछ नहीं चाहते क्योंकि वो देने वाले कुछ नहीं, ये बाकी देश के लोगों को भी झूठ के सिवा और कुछ देंगे नहीं, ये हमारा विश्वास है। लेकिन जम्मू के पास में जो भी होता है वो बाकी मुल्क में उसको लेके काफी भारी भरकम पॉलिटिक्स होती है, उस पर स्पीच दी जाती है, उस पर इलेक्शन, यही पॉलिटिक्स है ना, यही पॉलिटिक्स है कि आप आज यहाँ हमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हमारी तारीखी स्टेट को डाउन साइज किया गया यूनियन टेरिटरी में, आप कोई मिसाल मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इतनी बड़ी रियासत को डाउन साइज किया गया हो बहस के बिना, गवर्नमेंट के बिना, और गवर्नमेंट कौन थी यहाँ जिसको पूछा गया, गवर्नर सतपाल मलिक साहब, सतपाल मलिक साहब किसने भेजा, किन के नॉमिनी थे, मैं तो उनको जानता नहीं हूं, जम्मू के लोग भी उनको जानते नहीं थे, क्या वो हमारी किस्मत का फैसला कर ले एक गवर्नर। वही तो हम कह रहे हैं कि आज हमें तवक्कु थी सुप्रीम कोर्ट से वो इन बातों की तशरीह भी कर लेते, आज उन्होंने उसको भी जायज करार दिया, तो इसीलिए कल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे और गवर्नर असेंबली के बगैर गवर्नर किसी को भेज दे, उसकी मर्जी ले ले और कहे कि ये यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, आंध्रा के या किसी और जगह के लोगों ने कहा हमें यूनियन टेरिटरी में बदल दो, क्या होगा? थोड़ा सा गहराई में जाइए, मेरी एक शहरियों से अपील है, गुजारिश है कि हमें
ये जो प्रपगंडा करते हैं हमारे बारे में, इसकी रोशनी में ना देखें, आंखें खुलकर हमें देखें। हम वही हैं जिन्होंने फोर्ट के बगैर भी ट्राइबल्स का मुकाबला किया और रिश्ता जोड़ा मुल्क के साथ। हमारे जो बुजुर्ग थे और मुल्क के जो बुजुर्ग थे जिन्होंने आईन, जो आईन दिया है पूरे मुल्क को, उस पूरी लीडरशिप को देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्यों रखा 370 साल चला। क्या आज तक कोई जानने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था? आप बताइए, आपको आपको इतने लीडर्स आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे जी, और भी मुख्तलिफ, वीपी सिंह साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, और भी लोग थे कैबिनेट में। ये आप अनोखा, आज ही ये सब कुछ देशभक्ति का सिर्फ सारा ठेका इसी सरकार ने लिया है, मैं नहीं मानता। आप ये देखिए कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी एक साइलेंस होती है। पहले तो आज का वहां का माहौल बताइए, क्या किस तरह का प्रबंधन अगर कुछ आप हो मुझे जाए। बताइए, साइलेंस यहाँ जो दिल्ली में साइलेंस नहीं है? अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी से पूछ लीजिए क्या हाल है, कि बात करें। 100 बार सोचना पड़ता है करें या ना करें, रिपोर्ट कर लें या ना कर लें। आज लीडिंग पेपर से पूछ लीजिए जो जो एडिटोरियल ओपिनियन, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कितने मैं ये तो हमारे मीडिया है ना, जो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी, इसका क्या हाल है? तो आप यहाँ साइलेंस को अगर आप एक्सेप्टेंस मान लें, फिर कब्रिस्तान में भी होती है साइलेंस, बड़ी साइलेंस होती है, फिर जेलों में भी साइलेंस होती है। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, और इसीलिए जिन लोगों को भी देश से प्यार है उन्हें दुख होगा अगर जम्मू कश्मीर में आवाम को साथ नहीं लेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस रेस्टोर नहीं कर लेंगे, और वो कॉन्फिडेंस रेस्टोर होगा जब उनके राइट्स को रेस्टोर किया जाएगा। मनमानी से, झूठ से कॉन्फिडेंस को रेस्टोर नहीं किया जा सकता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम थैंक के यू। लिए शुक्रिया, दोबारा मिलेंगे।